हेलो दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के लेकर के बात करने वाले हैं वो है वो फ्लोक्सासिन। अगर आप वो फ्लोक्सासिन मेडिसिन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहें। और एक ख़ास बात दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो आता रहता है। और भी आपको किसी मेडिसिन या किसी डिजीज के लेकर के डाउट है तो आप हमें कमेंट में बतलाएं, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। वो फ्लोक्सासिन मेडिसिन एक फ्लोरोक्विनोलोन मेडिसिन है। यह मेडिसिन डीएनए गायरेज नामक एंजाइम के माध्यम से कार्य करता है। यह ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव नामक जीवाणु पर भी अपना अधिक प्रभाव दिखाती है और यह क्लैमाइडिया टीवी और माइकोप्लाज्मा पर भी अपना प्रभाव अधिक रखती है। अगर इस मेडिसिन के हम लोग उपयोग के बारे में बात करें तो हम लोग इसका उपयोग श्वसन मार्ग संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण, आंत का संक्रमण, कोमल ऊतक संक्रमण और गोनोरिया जैसे रोग में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। अगर इस मेडिसिन के आप ले रहे हैं तो आपको कुछ निषेध का भी ध्यान रखना होगा, जैसे 12 वर्ष से छोटे बच्चे, हाइपर सेंसिटिविटी, मिर्गी, गर्भावस्था और दुर्गावस्था में इस मेडिसिन को नहीं देना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ये सब रोग पहले से है और आप इस मेडिसिन को देते हैं तो उस रोग का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके, अगर किसी पेशेंट का पहले से ये इस पेशेंट में अगर बीमारी है तो हो सके तो आप इस मेडिसिन को न दें। यह मेडिसिन मेडिकल स्टोर में इंजेक्शन और सस्पेंशन और टैबलेट तीनों रूप में उपलब्ध रहता है। अगर इस मेडिसिन के हम लोग डोज के बारे में बात करें तो 12 वर्ष से बड़े बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक आप इस मेडिसिन को 100 से लेकर के 400 mg दिन में दो बार यानी सुबह शाम आप उसे दे सकते हैं। और अगर आप इसी मेडिसिन को सुजाक जैसे रोग में आप दे रहे हैं तो उसे आप 400 mg दिन में एक बार खाना खाने के बाद एक ही डोज दें। इससे आपको अधिक फायदा देखने को मिल सकता है। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, UTI है, तो आप उसे 200 mg सुबह और 200 mg शाम यानी पर डे 400 mg आप उसे दे सकते हैं। इस मेडिसिन को देने से आपके शरीर के ऊपर कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी, त्वचा में रेड रेड दाने निकल आना, पेट में दर्द होना और बहुत अधिक समय तक इस मेडिसिन को लेने से आपके पेशी और जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इस मेडिसिन को आप 14 से 18 दिन तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने पर आपको शरीर में अनेक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है और ये मेडिसिन आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर मेडिसिन लेने के बाद ये सब लक्षण आपके शरीर के ऊपर देखने को मिले तो कृपया करके इस मेडिसिन को बंद कर दें और एक अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। इस मेडिसिन के साथ अगर आप किसी अन्य तरह का मेडिसिन भी साथ में यूज करना चाहते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, ये बहुत अधिक रिएक्शन भी करता है, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एंटासिड मिला हुआ मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो इसका अवशोषण कम हो जाता है। आयरन जैसे औषधि को लेने से भी इसका कार्य प्रभावित करती है।
और इस मेडिसिन के साथ अगर आप वारफेरिन मेडिसिन लेते हैं तो इसका प्रभाव को बहुत अधिक प्रभाव बढ़ा देती है, जिसके कारण आपके शरीर पर अधिक से अधिक साइड इफेक्ट हो सकता है। इस मेडिसिन को लेने के बाद कुछ विशेष सावधानियाँ की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे अगर आप इस मेडिसिन को लिए हैं तो आप तेज़ धूप में न जाएं, या किसी गाड़ी या किसी वाहन पर न बैठें, या ड्राइविंग न करें, बैठ सकते हैं पर ड्राइविंग न करें। इस मेडिसिन को एंटासिड के साथ भी नहीं लेना चाहिए। इस मेडिसिन को आप लेने से पहले किसी डॉक्टर से सलाह लेना अनिवार्य है। अगर आप किसी का भी वीडियो देख करके इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो आप अधिक से अधिक आप सुरक्षित नहीं हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर आपको इस मेडिसिन का ज़रूरत है तो आप किसी डॉक्टर से सलाह ले लें कि क्या हम ऑफ्लोक्सासिन मेडिसिन यूज कर सकते हैं, हमको इस तरह का रोग हमको देखने को मिलता है। इस मेडिसिन को बहुत सारे कंपनियां बनाते हैं, जैसे एलकेम, बायोकेम, ट्रेंट, सिप्ला आदि बहुत सारे कंपनियां हैं जो अधिक से अधिक कंपनी इस मेडिसिन को बनाते हैं। आपको जो कंपनी का अच्छा लगता है आप उस कंपनी को मेडिसिन खरीद कर आप यूज कर सकते हैं। बस आज इतना ही। और एक खास बात दोस्तों, अगर मेरा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो पर डे आता रहता है। और भी आपको किसी मेडिसिन के लेकर के डाउट रहता हो या किसी रोग के लेकर के आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में बतलाएं, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।